नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप हैं इस समय RN45 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को BPSC PRT एग्जाम में पूछे गए 24 अगस्त का पेपर सॉल्व करवाने वाला हूं। बुकलेट सीरीज सी का ये प्रश्न पत्र है मेरे पास, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा नहीं सही है, ए वाला सही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया, ठीक है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया। तो इसका सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चार, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है बी, ठीक है, बिश्नी देवी शाह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फाइव, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी। किस स्थान पर बीजी मतलब बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी, ठीक है। तो इसका सही जवाब है पूना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर छ, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहजानंद सरस्वती, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर सात, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सात है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ह्यूज रोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आठ देखिए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, जगजीवन राम, ठीक है। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बुकलेट सीरीज सी का प्रश्न पत्र हल करवा रहा हूं, ठीक है। सी का ऑप्शन यही सब हो सकते हैं, बस ऑप्शन इधर उधर हो सकता है आपके प्रश्न पत्र में। क्वेश्चन नंबर नौ देखिए, 1918 के किस महीने में चंपारण किसी कानून चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पूछा गया है किस महीने में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मई महीने। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये तो सही है। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ये भी सही है। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसमें देखिए एक दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, यानी इसमें तो आपका डी वाला सही होगा, उपयुक्त में से एक से, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संथा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए ध्यान से, यंग इंडिया महात्मा गांधी, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही ढंग से सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, निम्नलिखित आंदोलनों में किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा, ठीक है। कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया है।
दूसरा है बारदोली सत्याग्रह गुजरात, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बारदोली सत्याग्रह गुजरात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों, आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये तो सही है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, ये भी सही है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया, ये भी सही है। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 देखिए, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 1992। 16 देखिए, एंगस मेडिसिन मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 20, 12, 32, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इसमें आप लोगों को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए, विशेष विवाह अधिनियम ये जो है 1954 में था, दहेज निषेध अधिनियम इसका जो है 1961 में है, समान पारिश्रमिक अधिनियम इसका जो है 1976 है, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, तो इसका तीसरा है। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है सी वाला सही है। ठीक है, 2, 4, 1, 3, ठीक है, ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला, डी का तीसरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौम वैश्विकता देगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक इसमें सही है। आगे देखिए, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 20, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है एक से अधिक, देश की एकता एवं अखंडता, नागरिकों के न्याय उनकी स्वतंत्रता, ये दोनों सही है, ये सभी सही है, इसलिए इसमें एक से अधिक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रंजन गंगोई। इसमें देखिए 22, गरीबी हटाओ, ठीक है, गरीबी हटाओ, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, लोकतंत्र बचाओ, वाम मोर्चा, जोतने वाले को भूमि, जनता दल, और डी का, ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, 2, 1, 3, 4। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? ठीक है, तो देखिए, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920, द कॉमिंटर्न, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो इसमें दीनदयाल उपाध्याय सही है। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? ठीक है, तो देखिए ध्यान से, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक।
क्वेश्चन नंबर 26, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक से प्रस्तावित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तो ये पहला ही ऑप्शन सही है। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है, धर्मो रचति रचता, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आसान सा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संगठक है, पादप, सूक्ष्मजीव, जंतु? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पादप हिरण शेर। 32, पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल हैं, ठीक है? इसका भी ऑप्शन नंबर डी सही है, एक से अधिक। आहार श्रृंखला में शाकाहारी श्रृंखला को कहा जाता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आहार जाल। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितने प्रतिशत ग्रहण करते हैं, उसे खाद ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 2%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37, इसमें आप लोगों को भरना है, आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर मौजूद होते हैं, स्वपोषी इसके अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस? तो इसका फास्फोरस वाला सही है ऑप्शन, ठीक है, ये जो है शामिल नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कुछ जीवाणु। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर तथा छोटा तरंग दैर्ध्य है, ठीक है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पराबैंगनी विकिरण। टोटल 40 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है, बहुत इजी है। ये 40 क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन आप लोगों को करवा दिया है। आगे मैं और भी क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, तब तक के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।